अजीजाने ग्रामी, आठवें पारे में 10 अहकाम मौजूद हैं और गालिबन ये वही हैं जो तौरात में 10 कमांडमेंट्स के तौर पे हमें नजर आते हैं। ये यूं है कि फरमाते हैं कि ऐलान फरमा दीजिए कि मंदरजा ज़ैल उमूर से बचें। नंबर एक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। वालदैन के साथ नेक सलूक करें। अजीजा निगरामी, यहां मैं एक बात अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद में हम मुसलसल ये बात देखते हैं कि अल्लाह ताला जहां अपनी तौहीद का जिक्र फरमाते हैं और शिर्क से मना फरमाते हैं उसके फौरन बाद वालिदैन के हुकूक का जिक्र आ जाता है। मालूम होता है कि अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल के बाद सबसे ज्यादा जिनके हुकूक हैं इस दुनिया में वो वालिदैन हैं। तो पहले फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। नंबर दो, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो। और नंबर तीन, अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करो। नंबर चार, बेहयाई की बातों के करीब भी ना जाओ। ये करीब ना जाना बहुत दिलचस्प बात है, यानी वो सब बातें जो कि गुनाह का बायस बन सकती हैं उन सबको हराम करार दे दिया। नंबर पांच, किसी को कत्ल ना करो। नंबर छह, यतीम का माल ना खाओ। अब जाहिर है कि माल तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहां यतीम का नाम इसलिए लिया कि यतीम का माल खाना सबसे ज्यादा शर्म की और सबसे ज्यादा गुनाह की बात है, इसलिए कि वो सबसे ज्यादा मजलूम होता है और सबसे ज्यादा मोहब्बत का मुस्तहिक होता है। नंबर सात, नाप तोल में कमी ना करो। नंबर आठ, हमेशा इंसाफ की बात कहो, खा अपने रिश्तेदारों के खिलाफ हो। नंबर नौ, अल्लाह ताला से किए हुए वादे को पूरा करो। हर एक से किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए और सबसे अहम यह कि अल्लाह ताला से किए हुए वादे को पूरा करें। और नंबर दस फरमाया कि यही मेरा सीधा रास्ता है, इसी पर चलो और सीधे रास्ते को छोड़कर इधर उधर की गलत राहों पर न चलो, वरना तुम मुंतशर हो जाओगे, परागंदा हो जाओगे, फिरकों फिरकों में बट जाओगे। मालूम हुआ कि फिरका बंदी से भी रोका जा रहा है और फिरका बंदी का यह सबब बताया जा रहा है कि सिर्फ मेरे सीधे रास्ते पे चलो, अगर इस सीधे रास्ते को छोड़ोगे कोई इधर चल पड़ेगा कोई इधर चल पड़ेगा तो फिर कई फिरके बन जाएंगे।